भाई पहले तो मुझे लग रहा था कि तंजीम के ऊपर इतना छोटा फाइन कैसे लगा। इस घटना के लिए तो उनकी 50% से ज्यादा मैच फीस कटनी चाहिए थी। लेकिन बाद में एक बात दिमाग में आई कि अगर इतना ज्यादा काटा गया होता तो बेचारे को मिलता कितना? 300 रुपए, जो कि एक मजदूर की एक दिन की कमाई है। इसीलिए शायद आईसीसी ने रहम खाकर इस बच्चे की मैच फीस को कम काटा है, नहीं तो इतना कम कैसे? दोस्तों अगर 10 ही इंटरनेशनल मैच खेलकर इतना गुरूर, तो 100 मैच खेलने के बाद तो ये बांग्लादेशी सीधे अंपायर के ऊपर कूद जाएगा। दोस्तों सच में जो घटना नेपाल और बांग्लादेश के बीच मैच में रोहित और तंजीम के बीच हुई, उसे देखकर लग रहा था कि तंजीम के ऊपर आईसीसी द्वारा कोई सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आईसीसी ने ना कोई वार्निंग दी और ना ही कोई बड़ा फाइन लगाया, सिर्फ 15% मैच फीस ही काटी। वह भी क्यों काटी? सिर्फ 101 रुपये ले लेते सगुन के तौर पर, तंजीम आपको लिफाफे में भरकर दे देता। दोस्तों अगर यह कांड कोई नेपाली खिलाड़ी करता तो पक्का उसे वार्निंग भी मिलती और उसके मैच फी भी काटा जाता। लेकिन क्योंकि यह एक बड़े टीम के खिलाड़ी हैं, उन्हें सिर्फ 15% ही फाइन लगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि 17 जून को हुए नेपाल और बांग्लादेश के बीच के अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो कि क्रिकेट जैसे एक जेंटलमैन के खेल में नहीं होना चाहिए। नेपाल बैटिंग कर रहा था, स्कोर 9 रन पर 2 था और तीसरा ओवर डाल रहे थे तंजीम, जिन्होंने उसी ओवर में पहले ही 2 विकेट ले चुके थे और स्ट्राइक पर थे रोहित पौडेल। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद रोहित के ग्लव्स पर जोर से लगती है और रोहित थोड़ा परेशान नजर आते हैं, और उसी समय तंजीम रोहित पौडेल को अपनी ओर से कुछ बोल देते हैं। लेकिन उसी समय रोहित कुछ नहीं बोलते और अंपायर भी तंजीम को समझाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ठीक उसी गेंद के बाद, यानी तंजीम की 6ठी गेंद को रोहित डिफेंस कर देते हैं, तभी तंजीम शायद रोहित को कुछ बुरा भला बोल देते हैं और इसी दौरान ओवर खत्म होने के बाद रोहित और तंजीम के बीच कुछ गहमागहमी हो जाती है। तो इसी दौरान यह साफ दिखाई पड़ता है कि तंजीम अंपायर की वार्निंग को तोड़ते हुए रोहित को उकसा रहे थे और रोहित को बैटिंग करने से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त पर नेपाल को जीत के लिए एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। अगर उसी वक्त एक साझेदारी रोहित कर देते तो नेपाल आसानी से इस मैच को जीत जाता। लेकिन रोहित इस मामले को गंभीरता से लेकर उसके बाद जब तंजीम फिर से बॉलिंग करने आते हैं तो उन्होंने तंजीम को संभाल कर खेलने की बजाय हमला करने को देखते हैं। उसी समय शायद रोहित सोच रहे थे कि वो एक चौका या छक्का लगाकर तंजीम की मुंह पर सख्त जवाब दे दूंगा, लेकिन यह एग्रेसिव बैटिंग उनके ऊपर और साथ ही साथ पूरी टीम के ऊपर दबाव बना दिया, क्योंकि इसी ओवर में ही रोहित पौडेल ने अपना विकेट खोया और नेपाल टीम को और दुविधा में डाल दिया, जिसके बाद से नेपाल के खिलाड़ी लगातार संघर्ष करते रहे और अंततः इस मैच को नेपाल हार गया। तो अगर उसी समय रोहित अपना ईगो को थोड़ा साइड में रखते तो शायद यह टीम के लिए भी अच्छा होता। हालांकि इस मैच को जीतने से नेपाल टीम का इस वर्ल्ड कप में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन टीम के मनोबल पर बहुत कुछ प्रभाव डाल सकता था यह मैच। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या तंजीम के ऊपर आईसीसी ने जितना फाइन लगाया है उतना लगाना सही है या उससे भी ज्यादा का फाइन लगाना चाहिए था? और यह भी बताना कि रोहित ने जो ईगो की वजह से अपना विकेट खोया वो करना सही था या गलत।